मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल फॉर अस इन थ्री वेज। सबसे फर्स्ट जिसमें आएगा डिजीज, इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज जो है उनको क्रिएट करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इन एनिमल्स एंड थर्ड वन इन प्लांट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करें। अब होता क्या है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वन पर्सन टू अनदर पर्सन डिजीज जो है वो कैसे स्प्रेड होगा, देयर आर थ्री वेज। फर्स्ट वन इज एयर, वॉटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। एक क्या हो गया हमारा, फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। सपोज हमने बात करी कम्युनिकेबल डिजीज की। अब कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अब कौन कौन से वे से कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को हो सकता है, थ्री वेज। फर्स्ट वन इज फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप सब इस चीज़ से अच्छे से आपको पता है, अभी एक वायरस जो चल रहा है, बड़ी महामारी जो चल रही है, कोरोना वायरस, तो वो किससे होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से। कि अगर कोई पर्सन जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर आप उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको भी वो वायरस जो है वो आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल कॉन्टैक्ट। सेकेंड है एयर। सपोज़ कि किसी पर्सन को कॉमन स्नीज की प्रॉब्लम है, उसको कॉमन कोल्ड है। जैसे ही वो छींकता है, क्या करता है, जैसे ही वो छींकता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं बैक्टीरिया या वायरस के, वो क्या करते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब हेल्दी पर्सन क्या करता है, उस एरिया में ब्रीथ करता है, तो वो एयर के साथ में वो ड्रॉपलेट्स जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। तो अब इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हुआ, हेल्दी पर्सन में वो वायरस आ गया। उसी तरह से अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का झूठा पानी हमने पी लिया है या झूठा खाना हमने खा लिया है, तो इन चार, ये क्या है, हमारे चार मीडियम हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। अब ये डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको एक नाम दिया गया है, पैथोजेंस। क्या कहते हैं हम इसको, पैथोजेंस। जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, किसी डिजीज को कॉज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, चार मीडियम हो गए। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। ये सारी चीज समझ आ गई। तीन तो ये, फोर तो ये हमारे मीडियम हो गए। उसके अलावा एक आता है कैरियर्स। कैरियर्स मीन्स, कैरियर मीन्स हु कैरी, जो क्या करता है, किसी चीज़ को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कैरियर्स में सबसे बड़ा एग्जांपल आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई,
हाउस फ्लाई मीन्स क्या होता है? मक्खी। देखी है सभी ने घरेलू मक्खियाँ। तो हाउस फ्लाई क्या करती है, जैसे ही वो सपोज़ किसी गार्बेज का जो डंप है उस पर बैठी है, तो वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस जो होंगे वो इसकी बॉडी के क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इसकी बॉडी से। अब ये हाउस फ्लाई जब आके वापस हमारे घर पे, जैसे हमारा फूड जो है वो अगर अनकवर्ड है उस पर बैठ गई है, या अनदर जैसे हम जहाँ बैठ रहे हैं वो प्लेस है वहाँ बैठ गई है, तो वो वायरसेस जो है अब उसकी बॉडी से कहाँ जाएंगे? सपोज़ ये हमारा अनकवर्ड फूड है, तो अब ये कैरियर हाउस फ्लाई जो है वो आई कहाँ से? सपोज़ कोई गार्बेज का डंप था उसके ऊपर ये बैठी, तो जो वायरस थे वो उसकी बॉडी के स्टिक हो गए। अब ये हाउस फ्लाई जो है वो आके हमारे घर पे जो अनकवर्ड फूड रखा था उस पर बैठ गए, तो अब वायरसेस जो है वो कहाँ आ गए? अनकवर्ड फूड के साथ आ गए। और जैसे इस अनकवर्ड कंटेनमेंटेड फूड को हमने खाया तो उस फूड के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में चले गए और हमारी बॉडी को वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो चार मीडियम के अलावा कुछ कैरियर्स जो है इनके थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होते हैं। उसके अलावा दो और कैरियर्स हैं, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया डेंगू, मलेरिया जो है ये होता है हमारा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या है, प्रोटोजोआ। इसका कैरियर कौन है? एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। अब ये एनोफिलिस मॉस्क्यूटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम जो है उसको कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उससे क्या होता है हमारा मलेरिया। और डेंगू जो है, डेंगू हमारा होता है एक मॉस्क्यूटो है एडिस, एडिस मॉस्क्यूटो से हमारा क्या होता है, डेंगू। तो ये दोनों भी कैसा, किसका काम करते हैं, ये जो मॉस्क्यूटो है ये वर्क एज अ कैरियर, वर्क एज अ कैरियर, मतलब इनके काटने से हमको मलेरिया या डेंगू होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम और है इनको क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैरी करते हैं। अब कुछ आते हैं ऐसे मेथड्स जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी डिजीज़ है इनको कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको ये सजेशन दिया जाता है कि हमको कहीं पर भी जो वाटर है उसको कलेक्ट नहीं होने देना है, बिकॉज़ जहाँ पे भी बहुत सारा पानी होता है वहाँ पे मच्छर जो है, मॉस्किटोज जो है वो क्या करते हैं, जनरेट होते हैं, और जैसे मॉस्किटो जनरेट होंगे तो वो वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाएंगे और मलेरिया और डेंगू जैसी जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होंगे। तो वी आर एडवाइज्ड टू नॉट टू कलेक्ट द वाटर इन आर कूलर्स और सराउंडिंग आर होम और अदर प्लेसेस। तो ये तो हो गई हमारी ह्यूमंस की बात कि ह्यूमंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही हार्मफुल है, ये एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप के डिजीज जो है उनको कॉज करके क्या करते हैं, उनको हार्मफुल, उनके लिए हार्मफुल होते हैं। एक डिजीज होता है, सॉरी उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे डिजीज़ है और उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मोड क्या है उनका, और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं या प्लाज्मोडियम इनसे होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके टेबल में, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, आपकी बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें सबसे पहले दे रखा है डिजीज़ नेम, उसके बाद में उनका ट्रांसमिशन मोड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जनरल प्रिकॉशंस दे रखी है कि अगर ये डिजीज़ जो है वो हो जाते हैं तो हमको कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो सबके लिए कॉमन है, जिसमें सबसे पहले है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसको हमको क्या करना चाहिए, आइसोलेशन में रखना चाहिए। दूसरा है
अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना, जैसे हमने खाना खाने से पहले हमको हैंड वॉश करना है, आफ्टर फूड हमको हैंड वॉश करना है, और भी कुछ ऐसी सैनिटरीकल हैबिट्स हैं उनको भी, उसमें भी हमको हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है। दूसरा है, जैसे किसी को कॉमन स्नीज की प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना है, जब कॉफ या स्नीज की प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने पास में एक हैंकी रखना चाहिए ताकि वो क्या करे, जब वो छींके तो फाइन ड्रॉपलेट्स जो है उसकी हैंकी पे आए, आसपास के एयर में जो है वो स्प्रेड नहीं हो। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए टू बी हेल्दी। पेज नंबर बता रही हूँ मैं आपको, देखिए पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे दे रखा है, सबसे पहले है ह्यूमन डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और जनरल प्रिवेंशन। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हमने लास्ट डिस्कस किया था। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज विच इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन मोड इज एयर। मिजल्स वायरस के थ्रू, ट्रांसमिशन मोड एयर। चिकन पॉक्स वो भी वेरिसोला जस्टर वायरस से होता है और उसका ट्रांसमिशन मोड है बाय एयर और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। पोलियो, पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से होता है, डिजीज़ का नाम भी पोलियो है और वायरस का नाम भी पोलियो है, ये जो है वो एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। कॉलेरा, टाइफाइड ये दोनों है वो बैक्टीरियल रोग है। हिपेटाइटिस ए वायरस से होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, मॉस्क्यूटो है। ठीक है, इसके बाद में जनरल प्रिवेंशन में आप देखो, कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज अदर्स, मतलब उसकी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, उसके सोने के बिस्तर हो गए, खाने के बर्तन हो गए, तो उनको हम तो सबसे क्या रखना है, अलग रखना है। वैक्सीनेशन, कल हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीनेशन जो है वो क्या होता है, तो वैक्सीनेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमको अगर हेल्दी रहना है, इन सब डिजीज से खुद को बचाना है, तो वैक्सीनेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि जितना पॉसिबल हो सके, जिन जिन डिजीज के लिए पॉसिबल हो सके, हम क्या करवा लें, वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से, कैसे जो है वो क्या करते हैं। एक डिजीज़ है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इज अ मोस्ट डेंजरस डिजीज विच इज किस में होता है, ये कैटल डिजीज है और ये होता किस में है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ डिजीज होते हैं एनिमल्स में जो उनके माउथ और फूड से रिलेटेड होते हैं। तो ये इन एनिमल्स वाला जो टॉपिक है ये आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, तो आपको ये दो, एक डिजीज़ जो है इसको मेनली याद रखना है कि एंथ्रेक्स जो है वो एक तरह का एनिमल डिजीज़ है। उसके बाद में अगर प्लांट्स की बात करें, ऐसा नहीं है कि डिजीज़ जो है वो केवल प्लांट और ह्यूमन और एनिमल्स में होते हैं, जैसा हम बीमार पड़ते हैं उसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो भी बीमार होते हैं। तो प्लांट्स में थ्री टाइप ऑफ डिजीज इज गिवन इन योर बुक, आपकी बुक में थ्री टाइप्स के डिजीज जो है वो दे रखे हैं रिलेटेड टू, एक और पेज नंबर 25 पे एक टेबल दे रखी है, प्लांट डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे फर्स्ट है प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर मीन्स जो सिट्रस प्लांट है, जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, जितने भी सिट्रस एसिड वाले जो प्लांट हैं उनमें ये मोस्टली होता है। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। फिर है रस्ट ऑफ वीट, जैसे आयरन में रस्ट होता है ना, उसी तरह क्या होता है, जो वीट प्लांट्स हैं उनमें भी रस्ट लग जाता है। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है फंजाई और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में है एयर और सीड्स। येल्लो बीन मोज़ेक फॉर भिंडी और ओकरा, ओकरा या भिंडी जो है उसकी जो लीव्स होती है वो पूरी कैसी हो जाती है, येल्लो, जब उसको ये डिजीज होता है। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, इंसेक्ट की, इंसेक्ट के थ्रू वन प्लेस से अदर प्लेस जो है वो, पर ये जैसे एक प्लांट को है और दूसरे प्लांट को भी ये होगा, तो किसके थ्रू होगा, ये इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट में
जैसे कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, बटरफ्लाइज हो गई, तो ये सारी क्या करती है, वन प्लांट से अनदर प्लांट में क्या करती है, इस वायरस जो है इसको क्या करती है, स्प्रेड करती है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। तो उसमें आपने एक नाम सुना होगा, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, जैसे ही हम क्या कर लेते हैं, कभी खाना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है, हमको वॉमिटिंग होने लगती है, तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा चेकअप करके हमको क्या बोलता है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, अनकवर्ड फूड है, बहुत टाइम से पड़ा है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसके अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उनको क्रिएट करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो क्या है, पॉइजनस है हमारे लिए, कैसे हैं, जहरीले हैं। तो अगर उस फूड को हम खा लेते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वी ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, कवर्ड फूड एंड फाइनली कुक्ड फूड। हमको अच्छे से पका हुआ खाना जो है वो खाना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने सुबह का बना खाना शाम को खा लिया या शाम का बना खाना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट जो है वो लेनी चाहिए, और अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड जो फूड है वो नहीं खाने चाहिए, वो खानी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको, अगर हमको फूड पॉइजनिंग से बचना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो हमको ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं इनको क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद में एक टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। ओके, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दिस यू हैव टू डू सम क्वेश्चंस। पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन गिवन है, फोर्थ, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद अ नेकेड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। ये हमने सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका नाम इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि वो नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख सकते, दे कैन सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, दे कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, वी कैन सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर अ माइक्रोस्कोप। वॉट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गे और प्रोटोजोआ। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं किए हमने। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। आई सपोज कि आप आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजीली कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डिस्कस ऑल दिस टॉपिक इन आर लास्ट लेक्चर, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ अस। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवर द 3 पॉइंट विच आई डिस्कस टूडे। वॉट आर द एंटीबायोटिक्स, वॉट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बाई टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है, जो क्या करती है, हमारी बॉडी जो है उनको डिजीज से लड़ने के लिए क्या करती है और बढ़ाती है। एंटीबायोटिक्स जो है, इसमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि हमको वही एंटीबायोटिक्स की डोज लेनी चाहिए जो हमको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो, हमको ऐसे ही डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो उनको नहीं खाना। और एंटीबायोटिक्स उसी डिजीज़ के लिए वर्क करेगी जो किससे हो रही है, हमारी मेनली बैक्टीरिया से हो रही है। अगर हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं और हमको डिजीज़ जो है वो वायरस से कॉज हुआ है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और कभी ऐसा हो सकता है कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो एक रॉन्ग वे में भी चला जाए, वो हमारे लिए डेंजरस भी हो जाए। तो हमको एंटीबायोटिक्स लेते टाइम क्या ध्यान रखना है कि हमको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब जो एंटीबायोटिक है उसी को लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी नोटबुक जो है उसमें एज अ होमवर्क करने हैं, और आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं विच इज़ MCQ, फिल इन द ब्लैंक, मैचिंग कॉलम 1 और 2, तो यू शुड ट्राई टू डू दैट ऑल क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।